समाहरण न्यायालय मुख्य सड़क पर अवैध पार्किंग करने वाले पर चला प्रशासन का बुलडोजर। समाहरण न्यायालय के मुख्य सड़क पर चल रहे अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। इस दौरान कई गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे अवैध करने वाले लोगों पर आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल जिला मुख्यालय न्यायालय के समक्ष मुख्य सड़क पर दोनों तरफ गाड़ी पार्किंग को लेकर 24 घंटे जाम सा लगा रहता है। अब जाकर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है तथा पार्किंग को यहां से हटाकर पोलो मैदान धरना स्थल पर शिफ्ट कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए यातायात डीएसपी वीडियो पासवान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार पार्किंग स्थल को बदलकर पोलो मैदान धरना स्थल के पास कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर यहां कोई पार्किंग करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा इस कार्य के लिए 8 से 10 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे इस जगह की निगरानी करेंगे और किसी भी अवैध पार्किंग करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। किस वाला का गाड़ी है, किसका गाड़ी है, उसको समझने के लिए किस आदमी दिमाग पाएगा। आप एक लाइन में जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्किंग नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा, सोचना ही नहीं है जिस तरफ टिकट का है, रिपोर्ट मनाता है उसके लिए। कहाँ तक उठाया जाता है गाड़ी, ये काफी जाम लगा हुआ आता है समर नाले के समय। के पास बना हुआ वहीं पर लगाने, यहाँ पर जो भी गाड़ी लगाएगी उसको उठा के फाइन किया जाएगा। कितना फाइन किया जाएगा, अब राशि राशि आयुष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।